सुनीता विलियम्स के स्पेसक्राफ्ट से आ रही है आवाज़ें, आईएसएस पर तीसरा कौन? भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जिस एयरक्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर पर हैं, उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। एयरक्राफ्ट से आ रही आवाजें गहरी सांसों जैसी हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस एयरक्राफ्ट पर तीसरा कोई है? यदि है तो ये कौन है? ये आवाज ऐसी है जैसे किसी डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से किसी की धड़कन को सुना जाए। और तब आती है इन बहसमयी आवाजों ने न सिर्फ धरती पर मौजूद नासा स्टेशन बल्कि नासा के मिशन पर अंतरिक्ष में पहुंची हुई है। सुनीता विलियम्स भी बेहद परेशान है इस आवाज की वजह से। 8 दिन के मिशन पर गए सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर जो कई महीनों से वहां फंसे हैं, उन्होंने स्टेशन से डॉक किए गए बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्षयान से रहस्यमयी भूतिया आवाजें सुनने की सूचना दी है। ये आवाजें आप भी नीचे दी गई वीडियो में सुन सकते हैं। सुनीता और बुच के अलावा नासा के इंजीनियर्स को भी इससे बेहद हैरानी है कि आवाज किसकी हो सकती है, कैसी आवाज है ये। सुनीता और बुच की वापसी को लेकर नासा ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक स्टार लाइनर 6 सितंबर 2024 को बिना चालक दल के पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, जबकि विलियम्स और विलमोर फरवरी 2025 तक आईएसएस पर रहेंगे। वे दोनों स्पेस एक्स क्रू ड्रैगो के जरिए वापसी करने वाले हैं। इन आवाजों को सबसे पहले विलमोर ने महसूस किया ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल के साथ एक रिकॉर्ड की गई बातचीत के दौरान। विलमोर ने स्टार लाइनर के इंटरनल स्पीकर पर एक माइक्रोफोन रखा हुआ था जिससे ग्राउंड कंट्रोल को ये भी आवाज़ सुनाई थी। ये आवाज़ें कुछ भी हो सकती हैं और अब तक कुछ पता नहीं चल सका है कि ये क्या है और ये किसकी आवाज़ है, लेकिन फिर भी दोनों जन अपनी ड्यूटीज बखूबी निभा रहे हैं।